झारखंड में इन दिनों चुनावी सरगर्मी तेज है, तो वहीं दूसरी ओर बयानबाजी भी जो है, ऐसी ऐसी बयानबाजी भी आ रही है कि वो बयान जो है कहीं ना कहीं ये सियासी बयान कुछ ऐसा संदेश दे रही है जहां एक ओर इस बयान पर सियासी बवाल मचा है। हम आपको बता दें कि जिस तरह से झारखंड के एक मंत्री यानी इरफान अंसारी का जो बयान आया है, विवादित बयान, वो सीता सोरेन पर, इस बयान पर जो है सियासी घमासान मच गया है। इस बयान पर सभी दलों ने अपना पक्ष रखा है, तो वहीं भाजपा जो है आड़े हाथों लेते हुए इरफान अंसारी पर कड़ी चेतावनी दी है, यानी इरफान अंसारी को कड़ी चेतावनी भरे लफ्जों में एक बड़े नेता यानी भाजपा के नेता और झारखंड प्रदेश भाजपा के प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा बयान दिया है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि इरफान अंसारी का जो बयान है वो महिला और बहन बेटियों को शर्मसार करने वाला है, महिला सशक्तिकरण को शर्मसार करने वाला है। तो मंत्री इरफान अंसारी का जो बयान आया है ये कहीं ना कहीं झारखंड के उन बेटी और महिला को शर्मसार किया है। और वहीं शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि इस बयान के लिए, बयान को लेकर जो है उन्होंने एक बड़ी बात कहते हुए कहा है कि इस बयान पर जो है मुख्यमंत्री संज्ञान ले और इरफान अंसारी को मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे। तो शिवराज सिंह चौहान ने इस बातों का जिक्र किया है और कड़ी चेतावनी भरे लफ्जों में इरफान अंसारी पर हमला किया है। तो सुनाते हैं कि शिवराज सिंह चौहान क्या कहते हुए नजर आ रहे हैं। इरफान अंसारी ने जिन अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल श्रीमती सीता सोरेन जी के लिए किया है, उनको रिजेक्टेड माल बोला है। शर्म नहीं आती इरफान अंसारी को? श्रीमती सीता सोरेन जी स्वर्गीय दुर्गा सोरेन जी की धर्मपत्नी, शिवू सोरेन जी की बहू और हेमंत सोरेन जी की भाभी है। वो सम्मानित नेता हैं, उनके बारे में इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल, ये केवल उनका अपमान नहीं है, झारखंड की बहनों का, बेटियों का अपमान है, भारत की नारी शक्ति का अपमान है। और जरा भी अगर शर्म है हेमंत सोरेन जी में तो उनको इरफान अंसारी को मंत्रिमंडल से निकाल के बाहर फेंकना चाहिए। तो हम आपको बताते चले कि जिस तरह से मंत्री इरफान अंसारी का बयान आया, उसके बाद बीजेपी जो है चली गई चुनाव आयोग शिकायत करने, और शिकायत करके जो है चुनाव आयोग से कार्रवाई की मांग की है। तो वहीं जब चुनाव आयोग के पास जो है भाजपा चली गई, तो कांग्रेस ने भी इस मामले पर बचाव करते हुए कांग्रेस भी चुनाव आयोग चली गई, यानी दोनों ओर से जो है अपनी अपनी बातों को चुनाव आयोग के समक्ष रख दिया गया है। तो यानी कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि झारखंड में चुनावी सरगर्मी के बीच जो है सियासी जो तापमान है इन बयानों से बढ़ चला है। तो रांची से जीएन भारत के लिए मोहन कुमार। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।